तो स्वागत है सभी का अगले ब्लॉग में। और हम कहाँ आए हैं? ट्रियर आए हैं। तो देखते हैं ट्रियर का पहले कैसा सिटी है, कैसा लगता है। ये देखो, जस्ट हॉप वन ऑफ से बाहर निकले। ये रहा अपना हॉप वन ऑफ और यहाँ हमें बस लेनी है। तो फाइनली यहाँ थोड़ा डोनर शॉप के पास आके बैठे हैं, क्योंकि वहाँ से निकलते ही सबसे पहले बड़ी भूख लग रही है। और यहाँ पे डोनर मेन्यू ऑर्डर किया, तो उसमें डोनर फ्राइज़ और अपनी डाइट कोक ले सकते हैं, कैन जो है अपने पास। तो बस यहाँ बैठे हैं। और यहाँ का नज़ारा बढ़िया है, क्योंकि म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है और अच्छा नज़ारा भी दिख रहा है स्क्वायर का। दिखाता हूँ आगे से। ये देखो, ये यहाँ पे बीच में भी एक स्टैचू है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मस्त पूरा स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ इधर म्यूज़िक भी प्ले हो रहा है, तो अच्छा है काफ़ी। तो भाई अपना डोनर फ्राइज़ और देखो यहाँ पे कोक आ चुका है, और इसे अब खाते हैं, निपटाते हैं। तो ये देखो, इस कबाब हाउस पे अभी हमने ऑर्डर किया था। और यहाँ पे देखो पूरे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर, ये पूरा स्क्वायर एक बार दिखाता हूँ। ये देखो बढ़िया, यहाँ पे जैसे इतना इसे काफ़ी अच्छा स्टैचू है। काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे, और काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर के हाउसेज हैं। ये देखो फ्लैग्स लगे हुए हैं, सिंबल्स लगे हुए हैं हाउसेज में। यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिंबल्स हैं। पर ये सिटी का सेंटर है एक तरीके से। देखो यहाँ अंदर जाके देखते हैं पहले। तो वाह, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर है। वॉच टावर नहीं, क्लॉक कहेंगे वैसे। हाँ, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है यार यहाँ पे। और यहाँ अंदर जाके देखते हैं, एंट्री भी है। ये देखो, तो चर्च है बेसिकली यहाँ पे। धीरे बोलते हैं, थोड़ा बाहर निकल के बात करेंगे। ये देखो बढ़िया, हाँ यहाँ पीछे घड़ी थी और ये चर्च है। तो अब चलते हैं आगे, अपना स्क्वायर सिप पे निकलते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ कुछ परफॉर्मेंस चल रही है। तो यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर दिख रहा है। इधर आगे जाते जाएंगे तो वाह। ये देखो क्या विशाल का डोम, बढ़िया एकदम। तो ये देखो भाई, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर बना रखा है यहाँ पे। और हाँ, इसे देख के थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाए यहाँ पे, और आगे चलते हैं। तो यहाँ अंदर आ गए, और ये देखो आगे दिखाता हूँ आर्किटेक्चर अंदर का। ऊपर चलते हैं सीढ़ियों पे, और ये देखो पीछे तो है ही इतना बढ़िया नज़ारा। और यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ बैठ के ऊपर का दिखाया जाए तो ये देखो पूरा मस्त। ये और ये हमारे पीछे, ये देखो बढ़िया। और यहाँ भी बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगा रखी है, राइट। पर बहुत ही तगड़ा आर्किटेक्चर। Thank you.
पार्ट है जो, इसके अंदर चलते और दिखाते। से निकल गई है टूर कराने के लिए, गाड़ी खड़ी हुई है। तो फाइनली हॉप ऑन ऑफ आ गए, और जो जर्मनीज ओल्डेस्ट कैथेड्रल या ओल्डेस्ट चर्च या ओल्डेस्ट डॉम कहेंगे, वो ट्रियर में है, जो अभी हमने दिखाया राइट और देखा होगा। आई होप देख के मज़ा आया होगा। मैंने अंदर थोड़ा धीरे ही बोला क्योंकि काफ़ी लोग थे, और अंदर थोड़ा साइलेंस भी रखना अप्रोप्रिएट है। और विजुअल्स देखे होंगे, क्या अमेजिंग स्ट्रक्चर था, कितना बड़ा विशाल बाहर से भी और अंदर से भी, इतने माइन्यूट डिटेल्स भी इतने बढ़िया थे, तो वो देख के बहुत ही मज़ा आया। और अब फाइनली अपना हॉप वन ऑफ आ गए, तो यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और लौटेंगे। हालांकि अभी ज़रा तीसरी सिटी भी आ गए हैं, यहाँ पे ज़रा सनसेट और अपना गोल्डन आर देखने आए हैं। हाँ, ये हम आए अभी सारब्रुकेन और बस सनसेट देखने आए। और हाँ, काफ़ी बढ़िया लगा। और अपना पीछे बोट में जो है वो सालसा वालसा चल रहा था ज़रा, तो बढ़िया डांस वांस, बढ़िया वाइब, और बस सनसेट हो ही रहा है। और व्लॉग का अंत ट्रियर हॉप वन ऑफ पे करते हैं। आई होप ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। मज़ा आया होगा जर्मनीज ओल्डेस्ट चर्च देख के। बाय बाय।